हाय व्यूअर्स, असम लोसन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लेस ऑयल या ज़ीरो ऑयल कुकिंग में आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। इंस्टेंट पनीर टिक्का बनेगा, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर पनीर, कैप्सिकम, टमाटो और अनियंस को छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। और मैरिनेट तैयार करने के लिए मैंने हंकर लिया है। हंकर अगर नहीं है तो आप घर पर ही बना सकते हैं। घर में 3-4 चम्मच दही को 2-3 मिनट के लिए ही फिल्टर पर अच्छे से रख दीजिए छलनी में ढककर, और थोड़ी देर में पानी सारा नीचे कटोरी में आ जाएगा और हंकर ऊपर रह जाएगा। इसमें हम मैरिनेट में नमक, मिर्च, हल्दी, जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर या जो भी आप मसाले, अगर गरम मसाला वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी, जैसे कि मैंने इसमें शेजवान चटनी, थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है उसमें, थोड़ा टेस्ट और आ जाता है, वो भी डालिए। इंस्टेंट पनीर टिक्का बनाने के लिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कर्ड बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, और जो मैंने वेजिटेबल कट की थी वो पहले ही मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दी थी, तो थोड़ा सा जल्दी से काम हो जाता है। वरना मैरिनेट करने के बाद वेजिटेबल्स को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये जो मैरिनेट तैयार किया है उसमें उसको अच्छी तरीके से एक प्लेट में मैंने स्प्रेड कर दिया है, जिससे कि वेजिटेबल्स में ये अच्छी तरीके से मैं स्टफ़ कर सकूँ इसमें इसको। तो और मैंने सिर्फ ये इंस्टेंट पनीर टिक्का में एक और चीज़ देखी है कि अगर 30 या 40 मिनट के लिए जो हम मैरिनेशन करते हैं फ्रिज में रख के, तो उसकी जगह अगर हम 5 मिनट करते हैं इस चिल्ड दही और जितनी भी चीज़ें मैंने जो इसमें चिल्ड ये कट की हुई रखी हुई थी, तो इसको अब मैं जो है अच्छे से ये जो मसाला हमने तैयार किया है मैरिनेट किया हुआ वेजिटेबल्स को तैयार कर लेंगे उस तरह से, धीरे धीरे टॉस करते रहेंगे बीच में, जिससे कि इसको अच्छे से इसके अंदर तक मसाले चले जाएं। और अगर आप थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा अंदर तक, अगर मोटे डाइसेस अगर आपने किए हुए हैं क्यूब शेप के पनीर के, तो उसको आप हल्का सा कट करके उसके अंदर भी इसको भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो पनीर टिक्का बना रही हूँ वो मैं एयर फ्रायर में तैयार किया है मैंने, तो इसमें मैंने 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए किया था। आप इसको ग्रिलर पे भी रख सकते हैं, उसमें भी इतना ही टाइम लगता है। और अगर आप तवे पर करते हैं इसको, लोहे के तवे पर करते हैं, या अगर आप इसको नॉन स्टिक के तवे पर करते हैं, तब भी वही 10 से 12 मिनट लगते ही हैं अगर हम इसको दोनों साइड से करते हैं तैयार। तो ये मैंने इसको ये यहाँ पर कट करके मैंने स्टफिंग भी करनी दिखा दी है आपको। और सबसे अच्छी बात इस मैरिनेशन में ये रही है कि जो मैंने ये मैरिनेट तैयार किया है इसमें मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया है, इसमें बिल्कुल भी मैंने ऑयल नहीं डाला है, जिससे कि इस की जो है पोषकता बनी रहे। ये मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था जब तक कि मैं तैयार कर रही थी बाकी सारी चीज़ों की। एयर फ्रायर में इसको मैंने बास्केट में डाल दिया है इन सबको, और 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर इस बास्केट को जब मैंने खोल के देखा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके थे और अंदर तक मसाले जा चुके थे, इतनी सौंधी खुशबू थी। मैंने इसे ग्रिलर पर भी बना कर देखा, मुझे दोनों में से कोई ज़्यादा खासा फ़र्क नज़र आया नहीं, दोनों में डिफरेंट बस इतना ही था कि थोड़ा इसमें करारा पन था जो मैंने एयर फ्रायर बनाया था, बाकी ग्रिलर में थोड़ी सी मॉइस्चर इसमें मौजूद था। तो लेकिन टेस्ट में अगर देखा जाए तो बेस्ट टेस्ट में, सच में बेस्ट थे दोनों ही पनीर टिक्के। कोई ऑयल की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, लेस ऑयल तो छोड़िए मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया ही नहीं। तो एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।